नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज है हमारे पास Samsung का J2 मॉडल। इसमें चार्जिंग पिन कैसे लगाते हैं इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, मोबाइल की बैटरी निकालनी है, सिम अगर पड़ी हो तो सिम को निकाल देना है। उसके बाद ये जो मोबाइल के जो है जितने भी स्क्रू दिख रहे हैं इनको खोल लेना है। पेज खोल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आगे की LCD है ये थोड़ी सी इस पर हल्का हल्का SMD से हीट देना है। चिड़ाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले का एक दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे इसके नीचे डिस्प्ले लगी होती है, इसको निकाल देना है। उसके बाद ये डिस्प्ले का पत्ता भी यहाँ से निकाल देना है इसको। उसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से इस साइड से हल बिल्कुल आराम से ऐसे तरीके से बहुत आराम से इस तरीके से ऐसे निकालना है। यहाँ पे आप किसी लोहे या ओपनर का उपयोग नहीं करेंगे इसके लिए, क्योंकि अगर LCD पे लग गया तो LCD आपकी जो है वो टूट सकती है। इसके लिए आपको यहाँ पे अपने हाथ से ही खोलना है और उसके बाद ये आराम से ओपन हो जाएगा। इतना ओपन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्पीकर का पत्ता है इसको निकाल देना है यहाँ से। इसको यहाँ निकालने के बाद ये यहाँ कीपैड का एक पत्ता है इसको निकालना है, और ये उसके बाद आ गए ये आपके यहाँ पे चार्जिंग पिन, इसको SMD से जो है वो रिमूव करनी है। बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पास में ही माइक लगा होता है, अगर उस पर माइक पे ज़्यादा हीट चली गई तो आपकी जो है वो माइक ख़राब हो सकता है। इसकी वजह जब आप ये निकालें चार्जिंग पिन यहाँ से, तो बहुत सावधानी पूर्वक जो है इसको यहाँ से निकालें। चार्जिंग पिन आपकी निकल जाए उसके बाद ये आपको क्या करना है, पेस्ट लगा के हल्का सा इसकी सफाई करनी है अच्छे से, ताकि कोई पॉइंट जो है ना वो आपस में शॉर्ट ना रहे। ये सारे पॉइंट जो है आपको अच्छे से इनकी सारे पॉइंटों की आपको अच्छे से सफाई कर लेनी है। और आपको क्या करना है, इसके पास ये जो चार पॉइंट रंगा ये वाले, इनको जो अच्छे से सबसे पहले इनको लगाना है, उसके बाद जो चार्जिंग की पिन है वो सोल्ड की जाएंगी।
इतना हो जाने के बाद आपको ये जो चार्ज ये जो है इसमें आपको बता दे रहे हैं, ये जो सबसे पहला पॉइंट है इस साइड का, ये प्लस होता है चार्जिंग का, ये साइड वाला जो है ये ग्राउंड होता है। तो मेन जो है ये पिन आपको अच्छे से सोल्ड करनी है ताकि आपकी चार्जिंग जो है वो अच्छे से चल जाए। इन दोनों पिनों पर रंगा थोड़ा सा जो है ज़्यादा लगा देना है आपको, क्योंकि चार्जिंग की सप्लाई यहाँ से जब निकल लेगी तो हल्की सी यहाँ पे हल्का रंगा ना लगा रहे ताकि जो है अच्छी से चार्जिंग हो। देखिए लग गई है चार्जिंग पिन, आइए अब देखते हैं ये चार्जिंग पिन काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। जैसा आप देख सकते हैं कि मोबाइल में जो है वो चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से आप सैमसंग Z215 में चार्जिंग पिन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।